हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि 2 ईयर ओल्ड बच्चों से लेकर सुपीरियर अडल्ट 1 पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि सुपीरियर अडल्ट 2 पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो जब सुपीरियर अडल्ट 1 का टेस्ट कंप्लीट कर लेगा एक पर्सन, तो उसे सुपीरियर अडल्ट 2 का टेस्ट दिया जाएगा जो कि 19 ईयर्स 10 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द भंडार या वोकैबलरी। तो यहाँ पर आप फिर से उन्हें यही शब्द भंडार या वोकैबलरी दिखाएंगे जिसमें 45 वर्ड्स हैं, और इस बार उन्हें इन 45 में से किन्हीं भी 26 के मीनिंग सही बताने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार सारे वर्ड्स के मीनिंग सही बताते रहें, बीच बीच में वो गलत भी बता सकते हैं, पर आप उनसे तब तक पूछते रहेंगे जब तक कि वो लगातार 6 वर्ड्स के मीनिंग्स गलत ना बता लें, तब तक आप उनसे पूछते रहेंगे। और अगर वो इन वर्ड्स में से 26 के आंसर सही दे लेते हैं तो उन्हें 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। एवरेज अडल्ट में 2 मंथ्स का क्रेडिट मिलता था, सुपीरियर अडल्ट 1 में 4 मंथ्स का क्रेडिट मिलता था, और अब सुपीरियर अडल्ट 2 में 5 मंथ्स का क्रेडिट मिलेगा हर क्वेश्चन का सही आंसर देने पर। तो यहाँ पर उसको 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कारण बताना या फाइंडिंग रीजंस। इसके लिए आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि अब बच्चों के लिए समझना मुश्किल होगा, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी बना करके बोल सकते हैं। जैसे कि जो मैनुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, लोग टाइपराइटर जैसी महंगी चीज़ क्यों प्रयोग करते हैं जबकि थोड़े पैसों में कलम और दवात यानी पेन एंड जो पेन की इंक होती है वो मिल सकती है। 3 कारण बताओ, इसके 3 रीजंस दो कि लोग टाइपराइटर जैसी महंगी चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। अब आजकल तो टाइपराइटर लोग यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आजकल तो ऐसे ही डायरेक्टली फ़ोन पर सब लिख जाता है या लैपटॉप पर लिख जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। वैसे इसमें यही दिया हुआ है। और बी है, भयंकर अपराध करने वाले को क्यों दंड दिया जाना चाहिए। 3 कारण बताओ, यानी अगर कोई सीरियस क्राइम करता है तो उसे क्यों पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए 3 रीजंस दो। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है कि टाइपराइटर का प्रयोग सुविधाजनक होता है, सरलता से होता है, उसमें हैंडराइटिंग भी नीट आती है और जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, और लोग टाइप किया हुआ जो मैटर है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है तो इसके लिए आंसर होगा कि पनिशमेंट इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि उनको उससे शिक्षा मिले कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो इससे लोगों को शिक्षा मिलेगी और उस पर्सन को भी शिक्षा मिलेगी। तो टू टीच हिम अ लेसन, उसको सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो कोई सीरियस क्राइम करता है। सेकंड इसका आंसर हो सकता है अन्य लोगों के सम्मुख उदाहरण रखने के लिए, यानी टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। थर्ड हो सकता है उसे दोबारा करने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट अगेन या फ्रॉम रिपीटिंग इट। फोर्थ आंसर हो सकता है उसे इस बात से रोकने के लिए कि वो इससे भी भारी अपराध ना कर बैठे, टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग वर्स। फिफ्थ हो सकता है समाज की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। सिक्स्थ हो सकता है अनुचित कार्य करने के लिए दंड या टू मेक हिम सफर फॉर डूइंग रॉन्ग। एंड सेवन्थ है कानून की रक्षा, टू अपहोल्ड द लॉ। तो ये सारे आंसर्स वो दे सकते हैं। तो इनमें से अगर 3-3 भी रीजंस वो दे देता है इन दोनों में से, तो उसको 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। सुपीरियर अडल्ट 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है लोकोक्तियाँ या प्रोवर्ब्स। तो यहाँ पर आप उनके सामने 2 प्रोवर्ब्स बोलेंगे, 2 लोकोक्तियाँ बोलेंगे जिनके उनको मीनिंग बताने हैं कि वो इनसे क्या समझते हैं। जो पहली है वो है घर का योगी योग ना आन गांव का सिद्ध, और सेकंड है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो जो पहले वाला प्रोवर्ब है घर का योगी योग ना आन गांव का सिद्ध, तो इसका मतलब होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, पर अगर वो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे संपर्क में होते हैं और हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, तो हमें उनकी वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती, हमें उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगती है।
जबकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते हैं तो वो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके लिए एक और भी हम लोग हिंदी में प्रोवर्ब बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये वही वाली चीज़ है, घर का योगी योगना आन गांव का सिद्ध। तो अगर वो इसका मीनिंग बता लेते हैं तो उनको स्कोर मिलेगा। किन प्रोवर्ब है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जिसका मतलब होता है जो किसी भी काम का ना हो। तो अगर वो इनमें से किसी एक का भी मीनिंग सही बता लेते हैं, अर्थ सही बता लेते हैं, तो उन्हें 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है इसके लिए इंजेन्यूटी या सूक्ष्मदर्शिता 1। यही क्वेश्चन एज 14 के लिए भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप उसके सामने 3 प्रॉब्लम्स रखेंगे बच्चे के सामने, जिनके उनको करेक्ट आंसर्स देने हैं, और यहाँ पर रिक्वायर्ड स्कोर है 1+, यानी इन 3 में से कम एक का उन्हें सही जवाब देना है। तो पहली प्रॉब्लम आप कहेंगे कि मान लो मैं तुम्हें नदी से ठीक 2 किलोग्राम पानी लाने भेजूं, मान लो इसके लिए मैं तुम्हें 2 बाल्टी दूं, एक ऐसी जिसमें 5 किलोग्राम पानी आता है और दूसरी में 3 किलोग्राम, नापने के लिए केवल इन 2 बाल्टियों के अलावा और कुछ काम में नहीं लेना है, बताओ तुम ठीक 2 किलोग्राम पानी किस प्रकार नापोगे? पहले 5 किलोग्राम वाली बाल्टी भरो, ध्यान रहे तुम्हारे पास 1 5 किलोग्राम वाली बाल्टी और 1 3 किलोग्राम वाली बाल्टी है और तुम्हें ठीक 2 किलोग्राम पानी लाना है। फिर बी प्रॉब्लम है कि बार तुम्हें ठीक 13 किलोग्राम पानी लाना है, इसके लिए तुम्हारे पास 1 9 किलोग्राम वाली और 1 5 किलोग्राम वाली बाल्टी है, नापने के लिए इन 2 बाल्टियों के अतिरिक्त और कुछ भी काम में नहीं लेना है, बताओ तुम ठीक 13 किलोग्राम पानी किस प्रकार नापोगे? 9 किलोग्राम वाली बाल्टी पहले भरो, ध्यान रहे तुम्हारे पास 1 9 किलोग्राम वाली बाल्टी और 1 5 किलोग्राम वाली बाल्टी है और तुम्हें ठीक 13 किलोग्राम पानी लाना है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो जाएगी जिसका उसको आंसर देना है। और सामने प्रॉब्लम सी है, अब की बार तुम्हें ठीक 1 किलोग्राम पानी लाना है, इसके लिए तुम्हारे पास 1 3 किलोग्राम वाली बाल्टी और 1 8 किलोग्राम वाली बाल्टी है, नापने के लिए इन 2 बाल्टियों के अलावा और कुछ भी काम में नहीं लेना है, बताओ तुम ठीक 1 किलोग्राम पानी किस प्रकार लाओगे? 3 किलोग्राम वाली बाल्टी पहले भरो, ध्यान रहे तुम्हारे पास 1 3 किलोग्राम वाली बाल्टी और 1 8 किलोग्राम वाली बाल्टी है और तुम्हें ठीक 1 किलोग्राम पानी लाना है। आप बच्चे को पेंसिल और कागज़ यूज़ नहीं करने देंगे, उसको बस मेंटली ये सब सोच करके बताना है, और ये सिर्फ अंदाज से नहीं बताना है बल्कि ठीक से नाप के बताना है। यहाँ पर इसमें से 3+ का स्कोर होना ज़रूरी है और 3 मिनट में उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 मिनट्स में 3+ स्कोर होना ज़रूरी है, यानी इनमें से 3 का आंसर वो सही दें तो उन्हें 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब सुपीरियर अडल्ट 2 के लिए जो 5th क्वेश्चन है वो है प्रधान अंतर या एसेंशियल डिफरेंस। ये एवरेज अडल्ट में 7th क्वेश्चन सेम था यहाँ पर, तो वही सेम डिफरेंस यहाँ पर भी बताना है, और इसके लिए यहाँ पर स्कोर है 3+ का, यानी अगर वो 3 चीज़ों में प्रॉपर डिफरेंस बता लेंगे तो 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तो प्रधान अंतर या एसेंशियल डिफरेंस जो कि उसको बताना है काम और खेल के बीच में, यानी वर्क एंड प्ले के बीच में, योग्यता और बुद्धि के बीच में यानी एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में, एंड आशावादी और निराशावादी के बीच में, यानी एन ऑप्टिमिस्ट एंड अ पेसिमिस्ट के बीच में। तो जैसा कि इस बुकलेट में दिया हुआ है कि जो वर्क होता है वो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और खेल हम अपना दिल बहलाने के लिए खेलते हैं, और काम हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, पर मतलब जीवन यापन के लिए, और खेल जो है वो हम बस मज़े के लिए करते हैं, उससे कोई हमारा हमें हम कमाते नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में देखा जाए तो लोग खेल के थ्रू भी बहुत कुछ कमा रहे हैं, पर ये इसमें आप बच्चों को यही बताना है। और जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और खेल में मेहनत नहीं है, इसके हिसाब से मैं मैनुअल के हिसाब से ये बात बता रही हूँ। बहरहाल फिर योग्यता और बुद्धि क्या होती है, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें बुद्धि जो होती है वो प्रकृति द्वारा दिया गया गुण है जो हमें वंश से मिलता है, मतलब हमें हेरिडिटरी मिलती है
ये जो इंटेलिजेंस होती है, लेकिन योग्यता जो है, एबिलिटी जो है, वो हमारे हम लर्न करते हैं कोई, और हमारी प्रैक्टिस से वो बढ़ती जाती है। और इसके अलावा आशावादी और निराशावादी जो है, ऑप्टिमिस्ट एंड अ पेसिमिस्ट, तो आशावादी वो हमेशा सही चीज़ को देखते हैं कि इस काम में अच्छा किया हुआ है, और निराशावादी हमेशा काम की बुराइयों को देखते हैं, अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देते बल्कि बुराइयों को देखते हैं, तो वो पेसिमिस्ट होते हैं। आशावादियों को हमेशा ये यकीन होता है कि वो जो काम करेंगे हमेशा उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, बेटर होगा, और निराशावादियों को लगता है कि नहीं, उन्हें डर ही लगता रहता है कि हम कुछ भी करेंगे तो उससे गलत हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, निराशावादी डरते रहते हैं हमेशा। फिर अगर इनमें से वो दो के आंसर्स भी ठीक दे लेगा तो उसे 2 months का क्रेडिट मिल जाएगा। इसके बाद में जो एवरेज एडल्ट 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अध्यांश के विचार दोहराना 1, जिसमें है जीवन का महत्व, या रिपीटिंग थॉट्स ऑफ द पैसेज 1, वैल्यू ऑफ लाइफ जिसका टाइटल है। यहाँ पर जो उन्होंने गद्यांश दिया हुआ है इन्होंने, वो है, या पैसेज दिया हुआ है वो है, जीवन के महत्व के विषय में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं, कुछ इसको अच्छा कहते हैं और कुछ बुरा, ये कहना सत्य के अधिक समीप होगा कि ये वास्तव में सामान्य है, क्योंकि ना तो हमें कभी उतना सुख मिलता है जितना हम चाहते हैं, और ना कभी उतना दुख जितना हमारे शत्रु हमें पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। जीवन की ये सामान्य गति ही उनको नितांत अनीतिपूर्ण होने से रोकती है, तो इसमें उनको एटलीस्ट 4 विचार जो हैं वो सही सही बताने हैं, शुद्ध बताने हैं। तो इस पूरे पैसेज में कुछ इस तरह से थॉट्स या विचार दिए हुए हैं कि जीवन के महत्व के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं, ये वो पर्सन बताएगा, कुछ इसे अच्छा कहते हैं, अन्य इसे बुरा कहते हैं, ये कहना सत्य के अधिक समीप होगा कि वो वास्तव में सामान्य है, इसका ई हो सकता है क्योंकि ना तो हमें कभी उतना सुख मिलता है जितना हम चाहते हैं, एफ हो सकता है, और ना कभी उतना दुख जितना हमारे शत्रु हमें पहुंचाने की इच्छा रखते हैं, एंड जी हो सकता है, जीवन की ये सामान्य गति ही उनको नितांत अनीतिपूर्ण होने से रोकती है। तो इन सभी उत्तरों को संतोषजनक माना जा सकता है, यानी सभी आंसर्स जो अगर वो पर्सन देता है तो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होंगे, और इन सारे विचारों में से कम 4 विचार उसे सही ढंग से बताने होंगे, पर शर्त ये है कि अगर वो क्रम से यानी कंटिन्यूटी में ए बी और सी थॉट्स को प्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा 2 और विचार दिए जाएं तो उन्हें स्कोर मिलेगा। दोहराने से मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली उन इसी लैंग्वेज में बोलें, बल्कि मतलब यह है कि वो इसको अपने आप समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें इस पैसेज को, और फिर अपने वर्ड्स में उन थॉट्स को बता सकें, तो ये इससे मतलब है। अगर वो बता लेते हैं तो उन्हें 5 months का क्रेडिट मिल जाएगा। इसका वैकल्पिक या ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है गुप्त भाषा या कोड्स। इसके लिए इस बुकलेट के पेज नंबर 12 पर दिए हुए ये आप कोड्स देखेंगे, ये ऊपर लेटर्स दिए हुए हैं और नीचे 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैंने ये प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे पहला सेंटेंस है, पल्टन नगर तक आ गई, तो इन्होंने इसके नीचे इस सेंटेंस का लिखा है फर थद पखल रख अघई। इसमें उस पर्सन को ये बताना है कि ये कौन सा रूल फॉलो किया है जिसकी वजह से पल्टन के लिए फर थद लिखा है, नगर के लिए पखल लिखा है, तक के लिए रख लिखा है, इस तरह से। तो ये कौन सा रूल फॉलो किया है, और वो रूल समझकर उसको इस सेंटेंस को बच कर रह इसको इस कोड भाषा में लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेटर्स पहले इन्होंने लिख दिए थे आई ऊ, और यहाँ पे पूरा क ख ग घ ड़ फिर ये पूरा लाइन से लिखा हुआ है। तो देखिए प के बाद में फ आता है, तो इन्होंने प के लिए फ लिया है। फिर दूसरा जब लेटर लिया है तो ल के पहले र आता है, तो इन्होंने ल की जगह र लिया है। अब जब तीसरा आया प ल टन में ट आया, तो इन्होंने ट
ट के बाद ठ आता है तो ठ लिया। उसके बाद में जो तीसरा लेटर है ना, तो इन्होंने ना के पहले ध आता है तो ध लिया। तो यानी फर्स्ट अक्षर या फर्स्ट लेटर के बाद वाला लेना है, और जब सेकंड लेटर है तो उसके पहले वाला लेटर लेना है, फिर जब थर्ड पे आए तो बाद वाला लेटर लेना है, और फिर फोर्थ पे आए तो पहले वाला लेना है। तो ये रूल फॉलो हुआ है, यानी फर्स्ट लेटर के फौरन बाद वाला लेटर लेना है और सेकंड लेटर के फौरन पहले वाला लेटर लेना है, और यही सीक्वेंस चलेगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये मानते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ बच कर रहे तो ब के बाद आता है भ, तो हम भ लिखेंगे, और च के पहले आता है ड, तो हम च के लिए ड लिखेंगे, तो भड़। इसी तरह से क के बाद आता है ख, तो हो जाएगा ख, और र के पहले आता है य, तो यहाँ पर हो जाएगा य, तो हो जाएगा भड़ खय, और र के बाद आता है ला, तो यहाँ हो जाएगा ला, और ह के पहले आता है सा, तो ये हो जाएगा सा, तो ये हो जाएगा लस, भड़ खय लस। इसी तरह से हमें दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और यहाँ पर दूसरा रूल लगा है। यहाँ पे पल्टन नगर तक आ गई, तो यहाँ पर प के बाद इन्होंने लिखा है ध, तो प के बाद ध लिखा है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक लेटर बीच में स्किप करके तब ध लिया है। फिर उसके बाद में ल के बाद इन्होंने लिखा है व, तो ल के फौरन बाद वाला लेटर ले लिया। उसके बाद ट जब आया तो ट के लिए इन्होंने लिया है झ, तो फिर एक लेटर स्किप करके पहले वाला लिया, और जब ना आया तो इन्होंने ना के फौरन बाद आता है प वो ले लिया। तो यानी पहले वाले लेटर से एक लेटर स्किप करके उससे पहले जो है लेटर वो लेना है, और सेकंड वाले में आपको फौरन बाद वाला ले लेना है। तो ये रूल फॉलो हुआ है, तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सुपीरियर अडल्ट 2 पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सुपीरियर अडल्ट 3 पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।